पुलिस को कथित तौर पर देर रात करीब 12:05 पर धमकी संबंधी फोन आया। आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी मिली है। देर रात फोन पर मुख्यमंत्री को ये धमकी दी है। पुलिस को कथित तौर पर देर रात करीब 12:05 पर यह धमकी भरा फोन आया था। सूचना मिलते ही दिल्ली पुलिस एक्शन मोड में आ गई और जल्द ही फोन करने वाले की पहचान कर ली। पुलिस के मुताबिक मानसिक रूप से अस्वस्थ 38 वर्षीय व्यक्ति ने कथित तौर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि मामले में अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है, क्योंकि व्यक्ति मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को राउज एवेन्यू में रियल टाइम स्रोत विभाजन सुपर साइट और एक मोबाइल वैन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नेतृत्व वाली सरकार अब यहाँ रियल टाइम स्रोत विभाजन अध्ययन की शुरुआत के साथ अधिक सटीक तरीके से प्रदूषण से निपटने में सक्षम होगी। केजरीवाल ने कहा, वास्तविक समय स्रोत विभाजन सुपर साइट अध्ययन एक घंटे के आधार पर प्रदूषण के स्रोतों का विवरण साझा करेगा। मोबाइल वैन एक विशेष स्थान पर जाएगी और एकत्र किए गए आंकड़े का सुपर साइट पर विश्लेषण किया जाएगा। अभी हम एक मोबाइल वैन से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन जल्द हम और अधिक मोबाइल वैन इसमें शामिल करेंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि वास्तविक समय के प्रदूषण स्रोतों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से सरकार अधिक सटीक तरीके से समस्या से निपटने में सक्षम होगी।